आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉइस के बारे में। 2014-15 ये एक ऐसा साल था, इस साल इंडिया के मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा स्मार्टफोन बूम आया था। ई कॉमर्स कंपनीज अपने फंडिंग से बड़े स्केल के ऊपर स्मार्टफोन्स को परचेस करती थी, जिसके वजह से अल्टीमेटली मार्जिन जो है वो काफ़ी बचता था, जिसके वजह से कंपनी जो है वो इन प्रोडक्ट्स को अच्छे खासे डिस्काउंट पर बेचा करती थी, जिसके वजह से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल बूम आ गया, जिसके वजह से स्मार्टफोन के रिलेटेड जितनी भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे स्मार्टफोन एक्सेसरी सेक्टर हो गया, स्मार्टफोन केस सेक्टर हो गया, यानी कि जो कवर वगैरह होता है, इन सारे सेक्टर के अंदर जो है वो बूम आने लगा। इसी सेक्टर को टारगेट करने के लिए गौरव खत्रे ने नॉइस की शुरुआत की। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है नॉइस का बिजनेस मॉडल और क्या है नॉइस की बिजनेस स्ट्रैटेजीज, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। मेरा नाम है ऋषिकेश टोम्बड़े और आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। के अंदर फिलीपींस के अंदर गौरव खत्री ने अपना कमर्शियल पायलट का ट्रेनिंग कंप्लीट किया। जब वो इंडिया आए तब उन्होंने देखा कि इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के अंदर काफी अच्छा बूम चल रहा है और आने वाले समय के अंदर स्मार्टफोन एक्सेसरीज और स्मार्टफोन केस का मार्केट जो है ना वो भी काफी अच्छा बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्यों ना अपनी एक कंपनी बनाई जाए और इस मार्केट को अच्छे से टैकल किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने भाई अमित खत्री से कॉन्टैक्ट किया और उनको कहा अपने बिजनेस के बारे में। उसके बाद अमित खत्री ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अमित खत्री जो है वो एक फैशन डिज़ाइनर प्रोफेशनलिस्ट है। ये पहले जो थे जो बड़े बड़े फैशन इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह होते हैं ना फैशन से रिलेटेड, उनके लिए सप्लाई चेन प्रोवाइड करने का काम करते थे। दोनों ने मिलकर नॉइस की शुरुआत की, बट बिजनेस करना आसान नहीं होता। इनके सामने मेजरली तीन चैलेंजेस आ गए। सबसे पहला चैलेंज इनके सामने ये था कि कंपनी जो थी वो हर 3 महीने में हर 2 महीने में जो है वो अपने स्मार्टफोन्स बदलती रहती थी, नए स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च करती थी। तो ये फाइंड आउट करना कि कौन से स्मार्टफोन के लिए कवर बनाया जाए या फिर कौन से स्मार्टफोन के लिए केस बनाया जाए, ये मुश्किल हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही थी और जिसके वजह से अल्टीमेटली कंपनी जो है वो लॉस में जाने वाली थी, ये पक्का था। सेकंड चैलेंज इनके सामने ये आया कि भैया मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें। हमने ये तो चीज़ किया कि हम जो है मोबाइल एक्सेसरीज के मार्केट में जाएंगे और स्मार्टफोन केसेस बनाएंगे, बट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तीसरे नंबर का चैलेंज था ना, उसके वजह से अल्टीमेटली इनको पता चला कि भाई स्मार्टफोन केस का मार्केट है ना वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है। इसके वजह हम क्या करते हैं, हम स्मार्ट वियरेबल्स वॉचेस और स्मार्ट वॉचेस के सेक्टर में आते हैं और ब्लूटूथ ईयरफोन के सेक्टर में आते हैं। उस समय कोई भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो था वो इस मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था और जो प्लेयर थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस मार्केट के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइज ब्रांड की ज़रूरत है, सही क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर को सेम कॉस्ट के अंदर। ऐसे इन्होंने अपना कोर बिजनेस जो है उसे शिफ्ट कर दिया स्मार्टफोन केसेस से स्मार्टफोन एक्सेसरीज के ऊपर। अब ये समझते हैं कि इन्होंने कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो किया, ये ODM फॉलो किया। ODM का मतलब क्या होता है, ODM का मतलब होता है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कंपनी इस मॉडल के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो है वो टाइप करती है और अल्टीमेटली कंपनी अपने खुद के डिज़ाइन बनाती है और वो मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए उस डिज़ाइन को रियलिटी में लेके आता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एप्पल करता है, एप्पल अपने स्मार्टफोन्स को अपनी वॉचेस को डिज़ाइन करता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना उसके कॉन्ट्रैक्टेड मैन्युफैक्चरर को दी जाती है, उसके टाइप मैन्युफैक्चरर को दी जाती है जो उस डिज़ाइन को कम्प्लीटली पॉसिबल करता है अपने एक्सपीरियंस से। सेम मॉडल के ऊपर जो है वो नॉइस भी फॉलो करता है, नॉइस भी इसी मॉडल के ऊपर काम करता है। बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, कंपनी जो है वो 6 बिजनेस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करती है। एक एक करके इन बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझेंगे। सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो करती है वो है लो कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी। यहाँ पे होता क्या था, इस मार्केट के अंदर जो है वो आपको कम कॉस्ट के ऊपर अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन्स या फिर अच्छे क्वालिटी के जो है ना स्मार्टफोन नहीं मिलते थे। जो मिलते थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, डिसेंट हुआ करती थी या फिर एकदम बकवास हुआ करती थी, कोई फायदा नहीं था। और जो अच्छे ब्रांड थे उनकी जो कॉस्ट थी ना वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो नॉइस ने ये देखा कि इस मार्केट के अंदर एक ऐसी डिमांड है जो कम कॉस्ट के ऊपर सही और क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहती है, बट उन्हें मिल नहीं रहा। ये सेम स्ट्रेटेजी शाओमी ने इस्तेमाल की थी। जब स्ट्रेटेजी शाओमी ने इस्तेमाल की तो अल्टीमेटली शाओमी सक्सेसफुल हुई। सेम स्ट्रेटेजी को नॉइस ने इस्तेमाल किया अपने बिजनेस के अंदर और वो भी सक्सेसफुल हो गए। सेकंड स्ट्रेटेजी जो इन्होंने इस्तेमाल की वो थी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पे अल्टीमेटली आप क्या करते हो, आप कस्टमर सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते हो। यहाँ पे आपका कंपनी का एम ही होता है कि कंपनी को अल्टीमेटली अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, उसे अच्छी सर्विस देनी है और क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कंपनी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है, कंपनी कभी भी डिस्काउंटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो कंपनी को अल्टीमेटली ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। उस कॉस्ट को न्यूट्रल करने के लिए कंपनी तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करती है, वो है बल्किंग स्ट्रेटेजी। बल्किंग स्ट्रेटेजी की वजह से कंपनी क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट को कंपनी डिज़ाइन करती है अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को उनके मैन्युफैक्चर बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो है वो
मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके बाद में उन्हें इंडिया शिप किया जाता है चाइना से। उसके बाद में कंपनी यहाँ पे अपने मार्जिन को कट करती है और उसे जो है वो सही प्राइस के ऊपर प्रोवाइड करती है। मान लेते हैं अगर किसी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल बिल्डिंग कॉस्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, वो आ रही है 3,000 रुपये, लेकिन जब उसे इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के ऊपर मैन्युफैक्चर किया जाएगा तब उसकी अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो हो सकता है 1,000 से लेकर 1,500 के अंदर आ जाए। क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इनका टाइप है ना, वो सबके सब जो है इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। बोर्ड एप्पल या फिर हम बात करेंगे कई और ब्रांड जैसे सैमसंग वगैरह हो गया, शाओमी वगैरह हो गया, इनके लिए ऑलरेडी काम करते हैं। अब बारी आती है फोर्थ नंबर की स्ट्रेटेजी की। फोर्थ नंबर की स्ट्रेटेजी है वो है प्रोडक्ट इनोवेशन स्ट्रेटेजी। कंपनी जो है वो प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर बिलीव करती है। कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी करके उसे बेच सकती है, बट उसे इनोवेट करके बेचना एक मुश्किल टास्क होता है, कोई भी नहीं करता है। कॉपी करके बेचना आसान होता है, चाइना की कंपनियां बड़े लेवल पे करती है, लेकिन नॉइज जो है वो पहला है जिसने 9 ऐसे प्रोडक्ट निकाले जो कि उस इंडस्ट्री के अंदर पहले थे और पहले उसके जैसे प्रोडक्ट नहीं आए थे। यही बात है जो नॉइज़ को अलग बना रहा है उसके कंपटीटर्स से, जैसे कि बोट हो गया, मीबी हो गया, JBL वगैरह हो गया। फिफ्थ नंबर की स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की वो है ऑफलाइन रिटेल स्ट्रेटेजी। पहले कंपनी जो थी वो सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर फोकस करती थी, बट बाद में कंपनी ने नोटिस किया कि ऑफलाइन मार्केट भी काफ़ी बड़ा है तो हमें यहाँ पे भी काम करना चाहिए। इसके लिए अल्टीमेटली कंपनी ने जो है वो एक ऑफलाइन बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्होंने अल्टीमेटली जो है वो आज की डेट में कंपनी की जितनी भी सेल्स आती है उसका 10% जो है वो सिर्फ ऑफलाइन से कॉन्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे कंपनी छोटे स्मॉल कीपर से लेके बड़े रिटेल इंडस्ट्रीज तक, बड़े रिटेल आउटलेट्स तक जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाती है, जिससे अल्टीमेटली कंपनी को अपनी रीच को बढ़ाने में एक बूस्ट मिलता है, जिससे कंपनी की सेल्स भी बढ़ती है। जैसे क्रोमा हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, अभी कंपनी इनके साथ और भी बड़े बड़े जो भी डिजिटल शोरूम्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखते हैं, उनको भी कंपनी जो है वो कॉन्टैक्ट कर रही है। सिक्स नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो कंपनी ने बनाई है, वो है अल्टीमेटली कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कंपनी ये इंश्योर करती है कि जो भी कस्टमर इनसे जो है वो प्रोडक्ट परचेस करे वो अल्टीमेटली जाके इनके कम्युनिटी में हिस्सा बने, इनके कम्युनिटी के अंदर ही रहे, जिसके वजह से वो जब भी नया प्रोडक्ट आए तो अल्टीमेटली वो नॉइस से ही खरीद ले। यहाँ पे कंपनी जो है वो फिटनेस के अंदर काम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी जो है फिटनेस को एज़ लाइफस्टाइल के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली नॉइस फिटनेस ऐप लॉन्च किया, जिसके अंदर आप अपने फिटनेस को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, आप अपने फिटनेस के लिए अच्छे से गोल सेट कर सकते हो और कई सारे सजेशंस भी आपको ये ऐप जो है वो देता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो इनके ऐप के ऊपर जा रहे हैं और इनके साथ जुड़ रहे हैं, जिसके वजह से कस्टमर के लिए एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है, जिससे फायदा जो है वो आगे चल के कंपनी को ही होगा। यह था मेरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जो मैंने नॉइस के ऊपर किया। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।